हाय, ए वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। यहाँ मैं एक कम्युनिटी फॉर्म को क्रिएट कर चुका हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आप ये जो भी विजिबल होगा, जैसे अभी मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये केवल तभी विजिबल होगा जब आप यहाँ पर रजिस्टर कर लेंगे, राइट? तो रजिस्टर करके क्या होगा कि आप यहाँ फोरम में जो भी मेन फोरम है उसको देख सकते हैं या उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी दो फोरम यहाँ पर क्रिएट किए हैं, एक एकेडमिक रिसर्च के लिए और दूसरा रिसर्च एथिक्स के लिए। एकेडमिक रिसर्च का जो सेक्शन है, ये जो फोरम है, एक्चुअली जो आर्टिकल्स हैं ओपनली उनको रिव्यू करना है, तो ओपन पीयर रिव्यू पर्पज़ से यहाँ पर रखा हुआ है। रिसर्च एथिक्स, ये कोई भी क्वेश्चन है जैसे अबाउट टू द रिसर्च एथिक्स और एनी अदर्स, तो आप यहाँ क्वेश्चन को देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और अगर फर्दर उसके अबाउट आपको कुछ रीड करना है, रिप्लाई करना है, जैसे यहाँ मैं एक पोस्ट क्रिएट कर चुका हूँ और उसके बाद कुछ कमेंट करता हूँ, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं कि ये जो सेक्शन है, जैसे कि डच सिमिलरिटी इंडेक्स रिफ्लेक्ट प्लेगरिज्म इन रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट, या ऐसे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं और किसी को रिप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि ये रिप्लाई किया है, यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं, आप या डाउन क्लोज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सो देर आर मैनी अदर ऑप्शंस, आप इंजॉय करेंगे और किसी भी एक पॉइंट को जो आपके डाउट हैं यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर शेयर कर सकते हैं अपना पॉइंट। तो ये जो ओपन फोरम है, ये आई थिंक विल बी बेनिफिशियल फॉर द रिसर्च कम्युनिटी। तो यहाँ से जो भी पहले लॉगिन करना होगा आपको, जैसे ये मैं लॉग आउट कर दूंगा, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर इन और ये सब पॉइंट और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, और जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे तो आपको एक वेबसाइट का लिंक अवेलेबल होगा। इस वेबसाइट के लिंक को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, राइट? इस प्रोफाइल को आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ मेंबर्स कितने हैं उनको देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शंस किन जो फोरम के अंदर कितने सेक्शंस हैं, ये आपकी चॉइस है कि उनको सब्सक्राइब करें या ना करें, राइट? तो एक्टिविटी क्या की है, तो ये सारे यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा। तो यहाँ अभी तक 5 जो हैं यूजर्स इसको अभी यूज कर चुके हैं, और ऑनलाइन कितने हैं वो सभी इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पर आपको अवेलेबल होगी। आई थिंक ये जो इन्फॉर्मेशन है और ये जो प्लेटफॉर्म है, दैट विल बी मोर यूजफुल फॉर दी एकेडमिक एज वेल एज फॉर दी रिसर्च कम्युनिटी। सो थैंक यू वंस अगेन।